सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उत्तरा देसी पत्रकार धर्मो और भाई आज एक खास रिपोर्ट लेकर आया हूँ। तो जीवन में कई बार ऐसे इत्तफाक मिले हैं देखने, जिनने देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ है और उसे आश्चर्य की बात आज करांगे। मतलोडा का शेरा गांव है जिसमें भाई एक वीर क्रांतिकारी यानी कि आजाद हिंद फौज के सिपाही रहा करते, जिनकी पत्नी यानी कि सैनिक थे जो ताराचंद निवासी शेरा गांव, और भाई उनकी पत्नी का निधन होया है। 98 साल की होकर वह गुजरी हैं और इत्तफाक देखो कि 23 जनवरी 2022 को उनका निधन होया। और तरती बता दे भाई, इनके जो पति यानी कि जो ताराचंद थे जो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में अपनी सेवाएं दी, और भाई उनका जो निधन है वो 1985 में हो गया था। और इत्तफाक देखो कि 23 जनवरी 2022 को ही इनकी जो धर्मपत्नी है राम प्यारी, वह भी राम ने प्यारी होगी। और गजब का इत्तफाक देखो कि मतलब उसी दिन तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और इनका जो लड़का है शमशेर शेरा उससे हमारी बात हुई, उनने बताया कि 7 साल तक तो अज्ञातवास काटे उनके पिताजी ने, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक घर क्या था बिना बताए भी देश के लिए काम कराया और देश की आज़ादी के लिए यानी कि आज़ाद हिंद फौज में जोश जज्बर जुनून के साथ काम कराया। 98 साल की उम्र में इनकी जो धर्मपत्नी है यानी कि ताराचंद शेरा गांव से मतलोडा के पास गांव शेरा है, उनका जो निधन हुआ और बड़ा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया गया। इस तरह के इत्तफाक काफ़ी अलग से कदे कदे देखने मिला करें। वीडियो नजी ला के शेयर कर दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक ये गजब का अजब गजब इत्तफाक जो है वो देखने मिला। जय हिंद, वंदे मातरम।